हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू 360 ज्ञान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ एंसिलरी के ट्रेलर ट्रेड टेस्ट के बारे में, कि ट्रेलर ट्रेड टेस्ट में क्या क्या होता है। और एक महत्वपूर्ण बात हम इस वीडियो में करेंगे कि आपका पीईटी और पीएमटी एग्जाम किस डेट से स्टार्ट होने वाले हैं, तो वही सारी कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो उसके लिए वीडियो को अंत तक देखें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पर दोस्तों, जो भी कैंडिडेट पीईटी और पीएमटी को क्वालिफाई कर लेंगे, उनको यहाँ पर ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आपने जो भी ट्रेड टेस्ट सेलेक्ट किया है, उसमें दोस्तों आपका एग्ज़ाम होगा। तो आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा वह 40 नंबर का होने वाला है, जिसमें एससी और एसटी वाले, नहीं, जनरल और ओबीसी वाले कैंडिडेट को यहाँ पर मिनिमम 40% मार्क्स लाना होंगे, और जो हमारे ओबीसी एससी और एसटी वाले कैंडिडेट होंगे, उनके 35% मार्क्स यहाँ पर मिनिमम लाना होंगे क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप इससे कम मार्क्स यहाँ पर लाएंगे तो आपको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, मैंने अदर ट्रेड टेस्ट से जैसे बार्टर केरिया, स्वीपर, वार वार कॉबलर, ग्रांड रनर, तो इन पर दोस्तों पहले ही सारी कुछ वीडियो बना दी हैं, जिनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, तो वहाँ से आप इन वीडियो को देख सकते हैं। अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रेलर ट्रेड टेस्ट में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको यहाँ पर होता है वह होगा आपका टेकिंग मेजरमेंट एंड स्केचिंग ऑफ शॉट्स। तो मतलब शॉट्स का मतलब यहाँ पर दोस्तों नेकर होता है, तो आपको यहाँ पर दोस्तों नेकर का जो मापिंग वगैरह, माप वगैरह लेना आना चाहिए, किस तरीके से नापा जाता है, कटिंग वगैरह का यहाँ पर अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। और दोस्तों महत्वपूर्ण बात, आपको यहाँ पर जो शॉर्ट्स होते हैं उनका सिलाई करना भी आपको यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन आया था उसमें शॉर्ट्स लिखा है, शर्ट नहीं लिखा है, तो इसलिए दोस्तों मैं आपको शॉर्ट्स के बारे में बता रहा हूँ। तो आपको शॉर्ट्स का यहाँ पर अच्छा खासा नॉलेज, सिलाई वगैरह का और मैपिंग किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से नाप लिया जाता है, वही सारा कुछ यहाँ पर आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक टाइमिंग मिलने वाली है, और कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन जो अधिकारी रहेंगे उनकी तरफ से मिलेगी, तो उसको ध्यान में रखना है आपको दोस्तों। इस वाला जो आपका टेस्ट है, इसमें आपको ध्यान रखना है। अब आपका जो नेक्स्ट होगा दोस्तों, वह होगा कैपेबिलिटी ऑफ कैरी आउट माइनर पेयर्स मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग ऑफ स्विंग मशीन। मतलब आपको दोस्तों जो सिलाई मशीन होती है, उसमें आपकी जो छोटी छोटी सी दिक्कतें आ जाती हैं, उनको आपको यहाँ पर रिपेयर करना आना चाहिए। यहाँ पर जैसे बहुत सारी सुई वगैरह टूट जाती है, जो आपके एक नीचे डिब्बी टाइप की फंसती है उसमें खराबी आ जाती है, तो बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं दोस्तों सिलाई मशीन में, उनको आपको रिपेयर करने का यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए। किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, मेंटेनेंस किया जाता है मशीन का, ऑयलिंग वगैरह, यहाँ पर सारा कुछ आपको यहाँ पर दोस्तों सिलाई मशीन से रिलेटेड आपको होना चाहिए। अगर आपको इस चीज़ का नॉलेज नहीं होगा तो आपको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट है दोस्तों आपका नॉलेज ऑफ टूल्स मशीन यूज्ड इन कटिंग टेलरिंग ETC। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कटिंग में कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, कैंची हुआ, इंची टैप वगैरह नाप के लिए, और बहुत सी चीज़ें दोस्तों जिनका नॉलेज मुझे नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक सिलाई वगैरह इतना मतलब इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सिलाई मशीन नहीं की। तो अगर आप टेलर हैं तो आपको अच्छा खासा इस चीज़ का नॉलेज होगा। अगर आप टेलर नहीं हैं और आपने ट्रेलर टेस्ट चुन लिया है, तो इसके लिए दोस्तों आपको यूट्यूब पर काफ़ी बढ़िया बढ़िया वीडियो इस चीज़ से रिलेटेड मिल जाएंगी। तो आपको यहाँ पर दोस्तों टूल्स का काफ़ी बढ़िया नॉलेज होना चाहिए। अगर आप इन तीनों टेस्ट को यहाँ पर क्वालिफाई कर लेते हैं, और अगर आप अच्छे खासे नंबर ले आते हैं, तो आप यहाँ पर दोस्तों क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, वे आपका जो CVT 1 था, 60 नंबर में से आपने जितने भी नंबर लाए हैं उसके आधार पर, और आपका जो ट्रेड टेस्ट रहेगा उसमें जितने नंबर आए उसके आधार पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर तैयार हो जाएगी। और उसके बाद आपका सिलेक्शन दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हो जाएगा। उसके बाद आपका होगा मेडिकल टेस्ट। तो मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होगा, उसकी भी मैंने वीडियो बना दी है, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहाँ से आप अपनी मेडिकल टेस्ट वाली वीडियो को आप मेरी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं पीईटी और पीएमटी के एग्जाम डेट की। तो यहाँ पर दोस्तों आप मान लीजिए, यहाँ पर जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है उसमें भी कोई भी एग्जाम डेट के बारे में नहीं कहा गया, उसमें इतना ही कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट पीईटी और पीएमटी के लिए क्वालिफाई किए हैं, उनको ईमेल एड्रेस या मोबाइल द्वारा यहाँ पर बता दिया जाएगा कि आपको यहाँ पर किस तारीख से आपका यहाँ पर पीईटी और पीएमटी होने वाला है। तो आप मान लीजिए कि दोस्तों आपका जिस भी तारीख को यहाँ पर पीईटी पीएमटी होगा, उसके 10 दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा मेल द्वारा या SMS द्वारा। तो अपना आप कंटिन्यू मेल चेक करते रहिए, और SMS भी दोस्तों आप अपने कंटिन्यू चेक करते रहिए। तो आप दोस्तों मान लीजिए कि आपका जो पीईटी और पीएमटी होगा वह लास्ट ऑफ मई में ही होने वाला है, तो 25 से लेकर 30 मई तक आपका यहाँ पर दोस्तों पीएमटी पीईटी और पीएमटी की जो भी डेट रहेगी 25 से 30 मई के बीच में ही रहने वाली है। और दोस्तों पीईटी और पीएमटी देने वाले स्टूडेंट की संख्या इस बार 1,31,525 स्टूडेंट पीईटी और पीएमटी देने वाले हैं दोस्तों। वैकेंसी हैं 787 वैकेंसी हैं, काफ़ी कम वैकेंसी है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो यहाँ पर दोस्तों पीईटी और पीएमटी में आपको अच्छी खासी मेहनत करना है, जो इजी आप कर सकते हैं। आपको बस सिंपली दोस्तों 800 मीटर की रनिंग है, जो आपको 3 मिनट 40 सेकंड में करना है, और आपको यहाँ पर लॉन्ग जंप है,
9 फीट की, हाई जंप है 3 फीट की दोस्तों, जो इजीली आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही कुछ जानकारी थी, तो अगर आई होप आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।